दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अभी एक सप्ताह तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं गुरुवार की बात करें तो दिल्ली NCR में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे पहले बुधवार के दिन में गर्मी का प्रकोप जारी रहा था, लेकिन शाम के समय मौसम ने करवट ली थी। बादल छाने और लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी। वहीं दिल्ली में कल के दिन यानी बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हवा में नमी का स्तर 33 से 42% तक रहा था। वहीं दिल्ली में आज यानी गुरुवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रह सकता है। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है और यहां भी मौसम साफ रहने का ही अनुमान जताया गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार की सुबह दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में 152 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में खराब श्रेणी में 247 जबकि गुरुग्राम में मध्यम श्रेणी में 190 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।